हेलो दोस्तों, तो कैसे आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन क्लास 9th की। अगर आप क्लास 9th में हो और आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, डॉक्टर बनना है, तो आप क्या कर सकते हो अपने इस क्लास 9th में जिससे आपको बेनिफिट हो। तो चलो फिर बिना इंटरमेंट टाइम के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सो फर्स्टली, अगर आप क्लास 9th में आ चुके हो तो अब ये आपका फर्स्ट स्टेप है इन द फील्ड ऑफ रियल साइंस। तो अब तक जो आप क्लास 8th में पढ़ते आए हो वो जस्ट एक बेसिक साइंस थी, बच्चों वाली साइंस थी, जहाँ पर आपने जस्ट डेफिनेशंस पढ़ी हैं। तो अब रियल साइंस आपको अब दिखेगी, जो इंटरेस्टिंग साइंस है। आपको अमेजिंग फिनोमिनाज दिखेंगे एंड अमेजिंग इक्वेशंस, उनके कैसे रीजंस हो सकते हैं। सो आप उसके बारे में पढ़ोगे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो एंड उसके बाद आप अब अपना करियर चूज़ करने के फेज में आओगे। क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में आप डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है। तो अगर आप क्लास 9th में हो तो अब आप सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान दोगे। आपको चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, साइंस में है, साइंस में किस में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में है, या मैथ्स में है, एसएसटी में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, आपको सब पता चल जाएगा। सो आगे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है नीट प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अभी काफ़ी इसमें स्ट्रगल करना है, काफ़ी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हो। आपको 10th भी प्रिपेयर करना है, 11th भी, 12th भी, साथ में नीट भी, उसके बाद आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा। तो अभी काफ़ी लंबी जर्नी है। क्या क्या करना है एटलीस्ट क्लास 9th में, क्या करना है हमें, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो आपको करनी है अभी से, दैट इज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नीट। आपको चेक करना है कि नीट क्या होता है, नीट होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टाइमिंग क्या है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या सिलेबस होता है, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता करना है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि नीट में क्या आता है, आपको जस्ट नीट के बारे में पढ़ना है कि नीट होता क्या है। देन उसके बाद सेकंड थिंग, आपको पता है कि अब जो आपकी साइंस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगी, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आपको समझना होगा कि ये होते क्या है, फिजिक्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है और केमिस्ट्री क्या होती है, और उनको सेपरेटली अच्छे से पढ़ना भी होगा। देन थर्ड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नीट प्रिपरेशन में। आपको बाकी सब्जेक्ट्स आपके नीट में नहीं आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी। सो उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, उसको अच्छे से इमेजिन करके पढ़ो ताकि वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। उसके बाद फोर्थ थिंग, मैं एक टाइम टेबल जिसमें आपके इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स ज़रूर इंक्लूड हों, आपकी वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स क्यों हैं, क्योंकि इंग्लिश इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा और आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को इजीली समझ पाओ। मैथ्स इसलिए है क्योंकि मैथ्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाओगे, और साइंस तो ऑब्वियसली क्योंकि उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही आने वाली है। देन फिफ्थ थिंग, दैट इज़ शार्प योर मैथमेटिक्स। आपकी मैथमेटिक्स शार्प होनी चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द टूल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मैथ्स के बिना नहीं हो सकते। तो अभी आप क्लास 9th में हो तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, शार्प करो, मैथ्स को अच्छे से पढ़ो। मैथ्स से ही आपके मार्क्स भी डिपेंड करेंगे। क्लास 9th में ही मैथ्स होगी आपकी, क्लास 10th में भी मैथ्स होगी आपकी, तो आपके बोर्ड के मार्क्स भी इसमें मैटर करेंगे। तो जितना हो सके मैथ्स को भी प्रायोरिटी दे। उसके बाद कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको अब अपनी स्टडी में करनी है। सो आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी साइंस बुक विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की साइंस की बुक को अच्छे से पढ़ना है, और उसके साथ साथ क्लास 9th की रेफरेंस बुक साइंस की, उसको भी अच्छे से पढ़ना है ताकि आपकी साइंस स्ट्रॉन्ग रहे। अब रेफरेंस बुक में 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद सेकंड थिंग, जिस तरीके से आपको पढ़ना है वो है लिव द फिजिक्स इन रियल लाइफ। आपको फिजिक्स समझ समझ के पढ़ना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके समझने हैं, उसको इमेजिन करना है आपको रियल लाइफ में ताकि आप फिजिक्स को समझ पाओ, क्योंकि फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके नीट एग्जामिनेशन में होता है। मोस्टली बच्चे उसी में ही कम मार्क्स लाते हैं, तो आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है। उसके बाद थर्ड थिंग, दैट इज़ यू शुड बी क्यूरियस अबाउट साइंटिफिक फिनोमिनाज एंड द रीजनिंग इटसेल्फ। आपको क्यूरियस होना पड़ेगा कि आपके आसपास साइंटिफिक चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, कैसे आपकी कुछ भी चीज़ हो रही है आपके आसपास, उसको सीखो। रीजनिंग पर ध्यान दो कि कैसे आप कैलकुलेशन अच्छे कर सकते हो, उसके बारे में ज़रूर ध्यान देना। देन उसके बाद फोर्थ थिंग, दैट इज़ जस्ट ट्राई टू गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। जितना हो सके इन 3 सब्जेक्ट्स में एफर्ट लगाओ,
जितना हो सके। SST भी आपकी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जस्ट आपके एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास 9th और क्लास 10th में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, बट आगे उनका आपके नीट प्रिपरेशन में इतना रोल नहीं होने वाला। बट ये तीन सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके एग्जामिनेशन में, तो इनको ज़रूर से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना इन तीनों सब्जेक्ट्स को, और जितना हो सके इनमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ थिंग की, दैट इज़ मेक हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की हैबिट डालो, क्योंकि जितनी आपकी सेल्फ स्टडी की हैबिट होगी आप उतनी देर तक पढ़ पाओगे और उतनी अच्छी प्रिपरेशन खुद कर पाओगे, ताकि आप शुरू से ही प्रिपेयर हो जाओ कि आपको जब आपके नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करने जाओगे 11th 12th में, उसको पढ़ोगे, तो आपकी वो सेल्फ स्टडी की हैबिट हो। देन उसके बाद सिक्स्थ थिंग, दैट इज़ यू कुड हैव अ ट्यूशन फॉर योर प्रैक्टिस। आप कोई भी ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी ट्यूशन क्लास का आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प हो जाए। अगर ये नहीं करना चाहते हो, मैं उसका सजेशन नहीं दूंगा, आप जस्ट क्लास 9th की ही मैथ्स और साइंस का कहीं भी अपने आसपास ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूशन ज्वाइन नहीं करना है तो आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बट आपको पढ़ना है, कैसे भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, घर पे पढ़ो, घर पे किसी अपने बड़े भाई बड़ी बहन से पढ़ो, या फिर अपने किसी भी अपने सीनियर से पढ़ो, लेकिन आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी जिस जो आपको अच्छे से किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके, आपकी आपके बेसिक्स को क्लियर कर सके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और आपको आगे वो हेल्प करे। सो आपको ज़रूर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट कोचिंग ज्वाइन करना है, जस्ट जो भी आपका सिलेबस है क्लास 9 का उसको पढ़ो। अब भले आपको कोई स्कूल टीचर समझाएं, कोचिंग टीचर समझाएं, या आपके पेरेंट्स समझा दें, या आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर समझा दें, या आपके कोई भी फ्रेंड सीनियर समझाएं, तो आपको समझना है, कैसे भी ऑनलाइन समझ सकते हो। जस्ट ये थी टिप्स फॉर क्लास 9th स्टूडेंट, जिसकी हेल्प से आप अभी से नीट प्रिपेयर कर सकते हो, अभी से आप अपनी साइंस मैथ्स इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करके उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।